कंसीलर ट्राई करने वाली हूँ. एक्चुअली मैंने ऑलरेडी किया है आपके सामने. सो भी ये भी मेकअप रेवोल्यूशन का है एंड इसको बोलते हैं आई ब्राइट एंड ल्यूमिनेट. सो आपको बताया मैंने कि थोड़ी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो रही है. तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हाल चाल है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे. सो एक आँख पे आँख कंसीलर है, दूजी पे नहीं. सो पहले गल फिनिश कर लेती हूँ मैं अपनी. क्या बता रही थी. ओके सो उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी रैंडम बातें. सबसे पहले ये है मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर, जो कि है आई ब्राइट इल्यूमिनेटिंग अनड्राई कंसीलर. इसका शेड है मीडियम और ये इतना ज़्यादा पतला किस्म का कंसीलर है कि अंडर आई पे बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता है. एंड मैं सोच रही हूँ कि इसको टेस्ट करते हैं थोड़ा सा. अगर आपने ये कंसीलर यूज़ किया तो मुझे बताना. सो ये बहुत ज़्यादा लाइट शेड का नहीं है, पर गुड इनफ है. एंड इसे हम लगाएंगे हमारी अंडर आईज पे एंड कंसील करेंगे अंडर आईज को. थोड़ा सा ब्राइटनिंग के लिए मैं दूसरा कंसीलर भी ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि इसकी इनफ नहीं है ब्राइटनिंग. सो सिमोर के खूबसूरत ब्रश के साथ इसको ब्लेंड करेंगे. अगर आपको नहीं पता है तो बता देती हूँ कि हमारे पास मेकअप ब्रशेस का पूरा किट है, जिससे आप पूरे फेस मेकअप को कंप्लीट कर सकते हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर से खरीदें, बहुत अफोर्डेबल है एंड आपको कोई और ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इससे डबिंग मोशन में कंसीलर को ब्लेंड कर लेते हैं. पर ना ऐसे रैंडम बैठे मेरे ऊपर पूत सवार होता है मेकअप को टच अप करने का. वैसे मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने अर्ली सुबह किया था मेकअप, पर फिर आ गया वहाँ थोड़ी कलाकारी करने के लिए. बेला दिमाग शैतान का कार. मुझे कितने सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो मैंने वीडियो बनाई है ना, कि हर एक ब्राउन गर्ल के पास ये वाले मेकअप प्रोडक्ट होने चाहिए. जैसे ये ब्लश मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं कि तुम्हारी रिकमेंडेशन पर हमने ले लिया है, उम्मीद है कि अच्छा होगा. आई होप कि आपको अच्छा लगेगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, ज़रूर से देखें, क्योंकि बाज़ार में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है हम क्या खरीदें क्या नहीं. अगर आप सामान है जो कि हंट में नए मेकअप प्रोडक्ट्स ना अच्छे, जो मैंने बहुत सालों से अजमाए हैं कि एक्चुअल में अच्छे हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड वो वाले प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं. थोड़ा सा लिप्स को भी टचअप कर लेते हैं बेचारे गरीब जी. सो ये है हुडा की लिक्विड लिपस्टिक, शेड का नाम है बॉम्बशेल. बहुत प्यारा शेड है. मैं थोड़ा सा लगा के ना मेरे लिप्स को थोड़ा स्टेन नहीं करती हूँ, ज्यादा कुछ टशन नहीं करती. ओके मस्कारा. हमारी जिंदगी के साथ जारी रखते हैं. हेलो खूबसूरत दोस्तों, तो स्वागत है वॉशरूम में. ये है हिम्मत का वॉशरूम और इसे मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ स्किन केयर करने के लिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर मैं एडिट करती हूँ तो लेट हो जाता है. तो अगर मैं वो बेडरूम वाला मेन वॉशरूम यूज़ करूँगी तो शोर मचता है. एंड फॉर सम रीज़न मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉर्स हैं और मैं उन ड्रॉर्स को भर सकती हूँ सामान के साथ. जो भी मेरा मन करता है वो मैं कर सकती हूँ. सो इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ. और आज इसको क्लीन करेंगे एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैंने रिसेंटली यूज़ किए हैं और मुझे अच्छे लगे और मैं दोबारा से खरीदूँगी या नहीं. और अभी रिसेंटली सफोरा की सेल भी चल रही है, शायद अभी भी चल रही है, तो मैं वो भी आपको बता सकती हूँ आप कौन से प्रोडक्ट वहाँ से खरीदें. वैसे सफोरा के मेरे मस्ट हैव्स की एक स्पेशल वीडियो भी, अगर वो देखना चाहे, वही अभी भी मेरे वही वाले फेवरेट है, कोई नए चेंज नहीं हुए हैं. सो क्विकली शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं जल्दी ये फिनिश करना चाहती हूँ काम और उसके बाद मैं कुछ और करूँगी. सो सबसे पहले क्या है, सो ये देखिए प्यारा सा रैक आपको दिख रहा है. सो इस रैक को मैंने लिया है कि जो भी मैं स्किन केयर करती हूँ यहाँ पे मैं टिका पाऊँ, यूज़ करूँ यहाँ पे रखूँ. क्योंकि जब आप ड्रॉर्स में चीज़ें रखते हैं ना, तो आप ज़्यादातर भूल जाते हैं, आप यूज़ नहीं करते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. सो ड्रॉर्स में मैं वही चीज़ें रखती हूँ जो इनका अग्गे वाला स्टॉक है, या फिर मैं रखती हूँ स्किन केयर लाइक मास्क या शीट मास्क, जो कि मुझे इतने फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करने होते. सो यहाँ पे क्या है, इनकी की ओट क्लिनजिंग बाम है, इससे आप मेकअप रिमूव कर सकते हैं. इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, सो ये बहुत धीरे धीरे ख़त्म होगा, एनी टेंशन नहीं करते हैं, यही पर पड़ा रहेगा. और मारियो बडेस्कू का ये स्पॉट ट्रीटमेंट अच्छा लगता है मुझे, इसे मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ, तो समटाइम मुझे करना पड़ता है. एंड ये है इंकलिस का PHA टोनर, सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसे मैं यूज़ करती हूँ. ओके एक और चीज़ बताना चाहूँगी, फिलहाल मैं 3 टोनर डिफरेंट यूज़ करती हूँ. लाइक
तीनों एक को बार नहीं हेयर देयर कर लेती हूँ. एक तो मुझे केल्स का अल्ट्रा फेशियल हाइड्रेशन टोनर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी ज़्यादातर स्किन डिहाइड्रेटेड रहती है तो उससे बहुत अच्छी हो जाती है. ये यूज़ करती हूँ या फिर इनकी का पीएचए बैलेंस वाला. और एक और मैंने लिया था गुड मॉलिक्यूल से. इसको मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इनका एक प्रोडक्ट था कि कोई भी हाइपरपिगमेंटेशन स्कार्स को फिनिश कर देता. वो मैंने ट्राई किया क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोज़ देखी टिकटॉक पे फलाना धमकाना भी हो जाएगा. सो मैंने खरीदा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा. तो ये बेचारा अभी तक मेरे पास है. इसे मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें नियासिनमाइड है, वो मुझे अच्छी लगती है. तो इसे मैं फिनिश करना चाहती हूँ, बर्बाद नहीं करना चाहती, पैसे बर्बाद ना हो. और मेरे पास ये पिग्दी साइन की लिस्ट का नियासिनमाइड सिरम है. इसमें अभी थोड़ा बचा हुआ है. और ये कब एक्सपायर होगा? छः महीने हुए नहीं अभी. सो इसको रख लेते हैं. एंड ऑल्सो मेरे पास ये रेटिनॉल है लॉरियल का. ये कब एक्सपायर होगा? इस पर लिखा ही नहीं है, ये तो एक्सपायर होना पड़ा. इससे रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि मुझे लगता है ये मुझे पीआर में मिला था और टाइम हो गया, नहीं इसके जाने का समय आ गया. और मेरे पास ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्डिनरी का एएचए बीएचए पीलिंग सॉल्यूशन है. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये 12 महीने बाद एक्सपायर होता है और मैंने लिया था मई 2022 में. मैं यूज़ कर लूँगी जल्दी जल्दी, इसे यहीं पर रखते हैं. अवीनो की ये अल्ट्रा कामिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम मुझे बहुत 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 अच्छी लगी. ये लाइक $60 की सफोरा की हाई एंड ऑरिजिन या ओले हरिंगसन की क्रीम जैसी है. अगर आपको बहुत हाइड्रेशन एंड लग्जरी फील करना है तो ये ट्राई करना. इसके मुझे लग रहा है मैंने 3 डब्बे फिनिश कर दिए. और बहुत बार होता है कि ये सुपर स्टोर कनेडियन सुपर स्टोर में या फिर वॉलमार्ट में सेल पे होती है तो तब आप स्टॉक अप कर सकते हैं. अभी मेरे पास ये फिनिश है, इसको ये जाएगी बिन में. और मैंने एक और लेके रखी है, ए मिनट नहीं बदिया लगी, पर इसको फिनिश करेंगे तो इसे सामने रखते हैं. ओके, बहुत सारे लोग कहते थे हाइपर पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी बाय बाय ब्लमिशेस से मामाअर्थ. और मैंने इंडिया से ली थी ये. एंड बहुत सारे दोस्त चाहते हैं कि जो मैं इंडिया से लेके आई हूँ उसकी हॉल करूँ, पर मैं बहुत सारा सामान टकाता है. ऐसे ब्लॉग्स भी मैं हर देर आपके साथ शेयर करूँगी. सो एक ये चीज़ है, फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, पर मैं इसे जैसे सामने रखती हूँ कभी कभी यूज़ कर लेंगे. एंड ये मैं यूज़ करती हूँ थर्मल स्प्रिंग वाटर जब मुझे लगता है मेरी स्किन बहुत ड्राई होगी. अभी इसमें है, इसको रखते हैं. ओह माय गॉड, ये जो है ना एम्ब्रोलिस की ये हाइड्रेशन क्रीम है. हालत है क्योंकि करती मैं मतलब एक बूंद निकल जाए. आई डोंट नो, इन्होंने बहुत एक्सपेंसिव भी कर दिया. पहले अराउंड 25 की थी, 25-27 में मिल जाती थी. और लाइक 35-10 डॉलर में एक्सपेंसिव होगी, मैंने ले ली. पर इतनी हाइड्रेशन, इतनी मज़ेदार क्रीम है ना. बिन में रहिए, मुख्या का प्रोडक्ट है ये. सुपर गुप का एवरीडे सनस्क्रीन लोशन, इन्ना मज़ेदार है ना गाइस, इन्ना मज़ेदार. अभी जब ये सेल लगी ना मैंने वड्डी वाली ले लिया क्योंकि मुझे 20% डिस्काउंट मिला है. तो फिर और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 30-35 में आएगी. अब 20% डिस्काउंट मिल गया, मैंने वड्डी मिल गई. और अभी ये बिन में जाएगी, यदि जान ले ली मैं. ओके, जो भी दोस्तों को हाइपर पिगमेंटेशन है एंड वो रियली काम करने वाला प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो इनकी का ट्रानेक्जामिक एसिड सिरम ज़रूर से ट्राई करें. मुझे 6-7 महीने हो गए इसको यूज़ करते हुए, कितनी सारी बॉटल मैंने यूज़ कर ली है. ये फिनिश्ड है, इसको बिन में सुटेंगे. एक मैंने ये नहीं मैंने एक्चुअली 2 खरीदी हैं क्योंकि डिस्काउंट था ना, तो फिर मैंने लगा कि मैं दोबारा तो लूँगी ही, सो 2 ले लिए मैं. खाली वाली जाएगी बिन में, ये मेरी अखा के सामने. एंड या बॉक्सेस से निकाल के मैं जो मेरा ड्रॉर है ना नेक्स्ट इन्वेंट्री स्टोरेज उसमें रख लेंगे. एंड ऑल्सो इनकी का ये विटामिन सी ज़रूर से ट्राई करें, अफोर्डेबल है. पर इन्होंने भी ना थोड़ा महंगा कर दिया है, पहले 16 का था अब 20 का आ गया है. आई डोंट नो, हर कुछ महंगा हो रहा है बाजार में. सो ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया सेल के टाइम में क्योंकि ये मैं ज़रूर यूज़ करती ही हूँ क्योंकि विटामिन सी बहुत महंगा आता है. ये स्टिल गुड है, तो इससे भी हम हमारी स्टोरेज में रखेंगे, वो बिन में जाएगा और ये अखा के सामने जाएगा. इनकी की मैंने ओमेगा वाटर क्रीम ट्राई की थी. लाइक मैंने ना हाइड्रेशन वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इन्नी वधिया नहीं लगी. बट ये 2-3 बूंदा बचियाँ हैं, उन बूंदों को यूज़ करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे. एंड ऑल्सो ये जो है इनन्स फ्री ब्रांड के क्लिनजिंग ऑयल, ये मुझे बहुत 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 अच्छे लगते हैं कि आपका मुँह जो मेकअप है ना ऐसे मेल्ट हो जाता है कि लाइक ड्रीम. सो ये बहुत अच्छे लगते हैं. ये थोड़ा है इसमें, इसे यूज़ किया जाएगा, अदा खा के सामने रखेंगे. और कई बार ना मेरे लाइक गुआशा या फिर कोई ऐसे मेरे चेहरे को मसाज करने के लिए मन करता है क्योंकि मुझे साइनस एंड एलर्जीज की प्रॉब्लम है ना, तो ये एरिया बहुत कंजेस्टेड हो जाता है. तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये स्किन थेरेपी ऑयल पैलमर ब्रांड से. इन्होंने अखा के सामने रखते हैं. एंड हाइड्रेशन के लिए ना इनकी लिस्ट का ये पॉली ग्लूमैटिक एसिड है जो मॉइस्चर को कीप करने में मदद करता है. अच्छा है ये, इसे फिनिश करेंगे, दोबारा नहीं खरीदेंगे. ओह माय गॉड, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये डर्मोलॉजिका का डेली माइक्रो फोलियंट. इतना ज़्यादा गुड है ना ये, रोज़ नहीं यूज़ करती हूँ. बहुत महंगा है, मतलब $80-85 का आएगा ये.
पर बहुत अच्छा काम करता है, आपकी स्किन का टेक्सचर चेंज कर देता है ये। ओके, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स अफोर्डेबल जो लग्जरी फीलिंग दे एंड बहुत मज़ेदार स्मूथ एंड फेस हो जाए, उसके चक्कर में मैंने ये नंबर 7 की भी ट्राई की क्योंकि सेल पे थी, फिनिश कर दिया मैंने, अच्छी थी, बहुत अच्छा फील होता था, पर मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी क्योंकि अवीनो की ही अच्छी डील है, वो लाइक मज़ेदार है। और कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है, गंद जाएगा बिन में, टूथपेस्ट भी मेरी मौक की है ये बिन में जाएगी। और मेरे पास ना आई क्रीम्स दो हैं, एक तो ये न्यूट्रोजिना की हाइड्रो बूस्ट आई जेल यूज करती हूँ, डार्क सर्कल की मुझे लाइक डिफरेंस नहीं फील हो रहा, पर यहाँ थोड़ा मॉइस्चराइजिंग हो जाता है, लाइक एक्स्ट्रा स्टेप कर रही हूँ मैं कि थोड़ा लाइक लग गया कि कुछ कर रही हूँ, वैसे इतना पसंद नहीं आया मुझे। That's that. आईज का सोल्यूशन है, आपको शायद दिख रहा होगा कहीं पे रखेंगे। एंड इसकी मैंने बहुत ज्यादा एड सुनी, ये रॉक ब्रांड है, रेटिनॉल रात के लिए, बहुत ज्यादा स्मूथ क्रीम है, बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको। मैं कई बार रात को ये यूज कर लेती हूँ, ये शॉपर्स ड्रग मार्ट में मिल जाएगा आपको, अच्छा है, पर दोबारा नहीं लेने वाली हूँ मैं। और ये जो मेरे प्रोडक्ट फ्यूचर वाले हैं उनको मैं एंड में रख दूंगी, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें मेरी एक्सपायर होने वाली हैं, उनको भी बिन में सुट देंगे 3 महीने में। ऑर्डिनरी का रेटिनॉल एक्सपायर हो चुका है, बिन में जाएगा। अल्फा आर्बुटीन 2% अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, रखेंगे, पर आजकल मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ। नियासिनमाइड एक्सपायर, हाइलुरोनिक एसिड 12 महीने में होता है, इसको रखेंगे। और ये कील्स का मिडनाइट रिकवरी, अभी एरी जिंदगी बाकी है। और ये क्लियर करेक्टिव डार्क स्पॉट सॉल्यूशन, मैं सुना है कि ये यूज करो मार्क्स सर रातों रात चले जाएंगे, देखो मैंने कितना यूज कर लिया, हाइपर पिगमेंटेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा था, पर अभी ये इसकी जिंदगी बाकी है जो इसको नहीं सुटेंगे। और ऑल्सो मैंने एक और स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज किया था, मेरी जिंदगी बाकी है, नहीं है, नहीं जाएगा दिन में, ये मुझे लग रहा है किसी में सैंपल मिला था तो इसको रख लेते हैं खा के सामने कभी यूज करने के लिए, जिससे ना अच्छी फीलिंग आती है, ऐसे स्मूथ हो जाता है फेस। सो ये सारा कुछ हो गया हमारा, डन, यस। एंड अब हम करेंगे सफाई। ओके, शशीरो की ये जो स्टिक है, अभी मुझे लग रहा है कि सुपर गूपी की भी आ गई है, पर हमारे कैनेडा में अभी अवेलेबल नहीं है, पर इतनी बढ़िया ना सनस्क्रीन 50+ था, और इतना क्लियर स्टिक का ऐसे ऐसे करो पता भी नहीं चलेगा कि सनस्क्रीन लगाया है, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। 45 की है पर काफ़ी लंबा समय चलेगी, और आपका जब चेहरा चिट्टा नहीं होगा, जो भी ब्राउन स्किन के लोग हैं उनके पास ऐसी सनस्क्रीन जरूर होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है हम डन है, मैं ये वाइप कर देती हूँ एंड लिफाफा लेके आती हूँ सारा गंद डालने के लिए, एंड देन हम चलेंगे यहाँ से, कोई और बातचीत करते हैं। लिफाफा लेके आई हूँ, अब मैं इससे सारी चीज़ें डाल दूँगी, खाली डब्बे, खाली सामान, जब आप कोई प्रोडक्ट पूरा यूज़ करके खाली चीज़ें फेंकते हैं ना, बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि आपके पैसे वसूल हो गए, आप दोबारा लें या नहीं लें, पर मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली कि मैंने सारा कुछ यूज़ किया। ओके, सो मेरे पास है एक ये प्यारी सी ट्रे, इस पर मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो मैं एक्चुअली एवरी डे यूज़ करने वाली हूँ, हर 2 टाइम, सो उसको मैं इसमें रखूँगी, बाकी चीज़ों को यही पहनने देंगे। सो उसके लिए है कि ये टोनर, क्योंकि मुझे अभी ये फिनिश करना है, एंड ये ट्रानेक्सामिक एसिड और विटामिन सी, और वो जो हाइड्रेशन वाला बंदा है, क्या नाम है इसका, पॉलीग्लूमैटिक एसिड, एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड सनस्क्रीन, एंड दैट्स इट। ये एवरी डे मुझे यूज़ करनी है, बाकी मैं उसको वैसे सामने रख लेती हूँ, पर इसे मैं यहाँ पर रखूँगी इसे, क्योंकि ये बेचारे बहुत यूज़ होंगे, इसमें पति की भी रैंडम पेपर चीज़ें रख लेंगे बेचारे की। सो बाकी चीज़ें सारी जाएंगी ड्रॉर्स के अंदर, सो अभी सही है तो वाइप कर देते हैं। सो जो मैंने पेपर टॉवल अर्लियर यूज़ करके रखे हैं उन्होंने यूज़ कर लेने हैं, ताकि हमारी जो वेस्टेज कट हो गए। अभी इस पिद्दी को मूव करेंगे, पीछे भी गंद कट देंगे सारा। जब कोने क्लीन होते हैं ना तो अलग से मुझे अच्छी फीलिंग आती है, और आपके ग्रह भी खुश हो जाते हैं। आपको पता है कि घर में चीज़ें रखना, घर की सफाई रखना, घर में हर चीज़ ढंग से रखना भी बहुत किस्म की एनर्जी को घर में आमंत्रित करता है। जैसे कि अगर आपका आपका जो तवा है जिस पे रोटी बनती है, अगर वो सारा टाइम गैस स्टोव पे पड़ा रहेगा गंदा, तो बहुत नेगेटिव एनर्जी को वो इकट्ठा करता है, क्योंकि जो तवा है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो राहू को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक है, और राहू देवता है,
मटेरियलिस्टिक लग्जरी. सो कैमरा बेचारा थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था गर्म विचारों के साथ. सो मैं बता रही थी कि जो तवा है वो रिप्रेजेंट करता है राहू को, और जब तवा गंदा पड़ा रहता है एंड हमेशा गैस स्टोव पे रहता है तो वो बिगेज राहू लग्जरी एंड मटेरियलिस्टिक जिंदगी का प्रतीक है. तो उससे आप दूर हो जाते हैं क्योंकि वो अनहैप्पी हो जाता है. तो रोटी पकाने के बाद तवे को अच्छी तरह वॉश करके आप उसको ढक के किसी जगह पर रख दे, लाइक किसी ड्रॉर में, किसी अलमारी में, जैसे हम यहाँ पे ओवन के अंदर रख देते हैं, तो अच्छा प्लेस है. सो दैट्स इट. वॉशरूम अच्छी तरह क्लीन हो चुका है एंड अब आज डिनर में बनाने वाली हूँ मैं चना दाल एंड लौकी. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है पर हस्बैंड को अच्छी लगती है. पर मुझे लौकी की सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है पर वो हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती. पर अद्दी लौकी की मैंने सब्ज़ी बना ली थी अपने लिए, पर ये अद्दी बची हुई है, इसको हम बनाएंगे चना दाल में डाल के. सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, जब मैं चना दाल को थोड़ा भिगो के रखूँ तो इन दोनों को मैं एक साथ डाल देती हूँ. पर अगर चना दाल को भिगो के नहीं रखा तो एक दो सीटी लगाने के बाद इसको डाल दूँ, क्योंकि अदरवाइज ये इतना कोल जाएगी दिखेगी नहीं. और उसके बाद इसका सिंपल सा तड़का लगाती हूँ. दाल को बनाने का एक और रीज़न है, आज मैं बनाने वाली हूँ करेले. उसको मैं काट के सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ एंड हस्बैंड उसके भी बड़े फ़ैन ही है, एंड फिर करेले के साथ ना दाल बहुत अच्छी लगती है. सो ये सारा तामझाम होने वाला है मेरे डिनर के लिए. चलो दोस्तों तो एक साथ कुक करते हैं. आ जाइए, बनाइए डिनर, बनाइए. तड़का लगाते समय जो भी खाली समय होता है ना, उसमें मैं क्लीन कर लेती हूँ मेरी किचन को. अगर डिशेस को निकालना हो डिशवॉशर से वो कर देती हूँ, अगर लगाना हो वो कर देती हूँ. सो बेसिकली छोटी मोटी क्लीनिंग मैं साथ साथ कर देती हूँ, क्योंकि अदरवाइज बहुत क्लटर हो जाता है. और मुझे मेरी किचन ज़्यादातर साफ़ अच्छी लगती है, फिर मुझ पर बोझ पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो साथ साथ करना ही बेटर है. लौकी वाली दाल, लौकी पागे छोले दाल, करेले. आप पराठा खाएंगे या रोटी? पराठा खाएंगे, रोटी खाएंगे. मेरा आज खाने को दिल कर रहा है सैंडविच. ब्रेड गर्म कर दूं दाल लौकी के साथ, वो खाएंगे. रोटी और पराठा, पराठा ओके सर. लेट मी गेट आउट ऑफ हियर. यार एड्डी प्यारी वाइफ आ, तो एड्डी तू और ठीक है. हुन की करना है? पराठा खाएंगे सर, रोटी खाएंगे. शिकंजी भी बनाना? कुछ नहीं खाना मैं. ठंडा हो गया ये शिकंजी भी नहीं. शिकंजी स्वादिष्ट भोजन रेडी है. Little songs make me glad to call you mine, and you have got my head in the clouds. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much, just your simple love in itself. Joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face. Oh, I don't need too much, just your simple love, and it's the market, strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't my kind of party.
ओके दोस्तों, टाइम टू एडिट माई वीडियो एंड अब आज के दिन के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है या नहीं। मिलूंगी कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू कैन बी ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। आई लव यू गाइस सो वेरी मच।